आपने ना मेरी पहली की स्किन देखी होगी और अभी की स्किन देखी होगी बहुत ज्यादा अंतर दिखाई देता है ना है ना है ना है ना तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या चीज़ मैं कर रही हूँ सो दिस इज माई स्किन कंडीशन बिफोर स्किन केयर बट इससे एक दिन पहले मैंने एक चीज फॉलो करी थी मैं आपको बता देती हूँ तो जितने भी मेरे फेस पे हेयर थे ना मैंने उनको रिमूव किया था फेशियल वैक्स स्ट्रिप का यूज़ करके मेनली मैं फेशियल रेजर यूज़ करती थी बट अब मैं पहली बार फेशियल वैक्स स्ट्रिप यूज़ करने वाली हूँ तो मैंने सोचा चलो ये चीज़ भी रिकॉर्ड करते हैं भाई मैं थोड़ा नहीं थोड़ा सा ज़्यादा ही नर्वस थी क्योंकि पहली बार मैं वैक्स स्ट्रिप यूज़ करने वाली थी एंड यहाँ पर मैं यूज़ कर रही करूँ हिप हॉप का ये रेडी टू यूज वैक्स स्ट्रिप जिसमें कि क्लिनजिंग वाइप्स भी मिल जाती हैं ताकि एक्स्ट्रा अगर वैक्स लगेगा तो उसको हम हटा सकें एंड ऑल अ गाइज प्लीज डोंट माइंड अबाउट माई वॉइस क्योंकि मुझे मालूम है जब भी मुझे वॉइस ओवर करना होता है है तो मेरी आवाज़ की बैंड बची होती है दिमाग खराब और मुझे तो मौत आ रही थी जब इस स्ट्रिप को पकड़ के खींचना था क्योंकि मैंने कभी यूज़ नहीं किया एंड जहाँ यूज ना करो ना तो वहाँ पे अगर खींचो तो बहुत दुखता है एंड जब मैंने इसको खींचा ना तो ऐसा लगा कि मुझे चोर से किसी ने ना चाटा धर दिया है मेरे मुँह पे बहुत ज्यादा दुख रहा था बट हाँ फेशियल जितने भी हेयर थे ना वो अच्छे से रिमूव हो रहे थे मतलब जड़ से पूरे निकल आ रहे थे तो वो चीज़ सही लगी मतलब स्किन काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट सी मुझे फील हो रही थी जहाँ के जो हेयर थे ना रिमूव हो गए थे ना तो मतलब काफ़ी डिफरेंस और स्मूथ सा दिखाई दे रहा था आपको दिखाई दे रहा होगा ना कितना अंतर है हाँ आरती बिल्कुल दिखाई दे रहा है पूरी स्किन तो लाल पीली हो गई है तुम्हारी एंड मैं आपको ये भी बता दू अगर आपकी स्किन टाइप ना सेंसिटिव है या फिर एक्ने प्रोन है ना प्लीज आप इसको ट्राई मत करना नहीं वैक्स करना मैं तो कह रही फेशियल रेजर भी बिल्कुल यूज मत करना नहीं तो आपको साइड इफेक्ट देखने मिल सकते हैं एंड इसके बाद मैं ये वाइप्स का यूज करके जितना भी एक्स्ट्रा वैक्स लगा था उसको मैं हटा रही थी एंड रेड रेड पड़ गया था थोड़ा सा फेस पे जलन हो रहा था तो मैंने आइस क्यूब से मसाज भी किया इस प्रोसेस को करने के बाद ना अराउंड फिफ्टीन टू सिक्सटीन आवर मैंने कोई भी प्रोडक्ट अपने फेस पर यूज नहीं करा था उसके बाद जो चीज मैंने करी थी वो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे मैं करी मामा अर्थ का ऑप्टन फेस वॉश जिसमें है टर्मरिक एंड सेफ्रॉन जैसा कि मैंने बताया मैं क्विक रिव्यू भी आपको दूंगी एंड मेरे लिए ऐसे प्रोडक्ट आपको रिकमेंड करूंगी जो कि रिसेंटली मैं ज्यादा यूज कर रही हूँ इसको लेकर मैं बात करूं ना तो इसमें छोटे छोटे ग्रेनुअल्स भी आ जाते हैं तो टू इन वन का काम कर का 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 देता है ये फेस वॉश के साथ साथ ना फेस स्क्रब का भी काम कर देता है तो आप जब पैसा लगाओगे ना तो फेस वॉश एंड फेस स्क्रब दोनों में लगा लोगे तो ये ज्यादा सही रहेगा कि आप ऐसी चीज लो जो कि दोनों का काम कर नेवर सेट की मामाअर्थ के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा बेकार होते हैं मैंने शॉर्ट्स वीडियो में आपके साथ मामात् को लेकर बात किया हुआ है जिसको लेके आपने बहुत ज्यादा गलत कंक्लूड किया है तो पहले समझिए कि मैंने वीडियो में क्या बोला है सो आफ्टर कम्पीटिंग दिस टू इन वन प्रोसेस मैं मास्क लगाऊंगी अपने फेस पे एंड यहाँ पे मैं यूज़ करने वाली हूँ वाइब्स का इंस्टा इंस्टाग्लूफ पाउडर एंड ये मुझे स्पॉन्सरशिप में मिला था और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था एंड गाइज इसका ना अगर आप आधा चम्मच भी लोगे ना तो आपके फेस के लिए सफिशियंट है इवन आधे से भी कम लोगे तो चल जाएगा अगर आप इस टाइप का उपटन पाउडर घर पर बना सकते हो तो वो भी ठीक है एंड इसमें मैं एलोवेरा जेल यूज़ करने वाली हूँ पतंजलि का जो कि केसर चंदन वाले वेरिएंट में आ जाता है एंड फिर उसके बाद मैं गुड वाइब्स का रोज़ ग्लो टोनर यूज़ करने वाली हूँ जब मैंने चैनल स्टार्ट नहीं किया था ना तब से मैं ये वाला टोनर यूज़ कर रही हूँ मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है एंड इसको ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे मतलब थोड़ी सी पतली सी कंसिस्टेंसी हो जाए ताकि फेस पे अच्छे से अपन इसको अप्लाई कर पाए बहुत ज़्यादा थिक नहीं बनाना है एंड उसके बाद मैं इसको अप्लाई करी कैन सी कितना ज़्यादा मुझे मजा मतलब मज़ा आ रहा था यार इसको लगाने में ये चीज़ आपने नोटिस करी होगी कि अभी आरती काफ़ी ज़्यादा पेट प्रमोशन वाली वीडियोज़ लाइव लेके आई बिकॉज गाइज मेरे ना एग्जाम चल रहे थे एंड कंपनी इस चीज़ का वेट नहीं कर सकती उनको तो वीडियो टाइम पर चाहिए तो मैंने प्रायोरिटी दी पेट प्रमोशन वाली वीडियो को कि जल्दी से उनको फिनिश कर देती हूँ अभी मेरे प्रैक्टिकल्स भी बाकी है बट स्टिल आई एम वर्किंग कि मैं ये चीज़ भी कर पाऊँ और साथ ही साथ अपनी स्टडी भी कंप्लीट कर पाऊँ तो इसीलिए पेट प्रमोशन की वीडियो ज़्यादा आ रही थी ठीक है एंड इसको लगाने के बाद अराउंड दस से पंद्रह मिनट मैंने रखा हाथ पे भी लगा लिया था थोड़ा बहुत जो बचा हुआ था इफ इन केस यू वांट टू सी द डिफरेंस आफ्टर यूजिंग दिस मास्क इज़ इट वर्किंग ऑन नॉट तो आप ना आधे फेस पे लगा लेना आधे पे मत लगाना एंड आपको डिफरेंस समझ में आएगा एंड आप ना नॉर्मल वाटर में भी इस पाउडर को मिक्स करके लगा सकते हो जरूरी नहीं है कि आपको रोज टोनर चाहिए या फिर एलोवेरा जेल चाहिए सिंपली नॉर्मल वाटर में मिक्स करो एंड लगा लो डेट्स एट एंड मैं यूज़ करने वाली हूँ अब फेस टोनर जो कि मामा अर्थ का है ये ग्रीन टी फेस टोनर है जो कि आई थिंक नया ही लॉन्च हुआ था कुछ पहले एंड ऑल्सो मैं रिकमेंड करूंगी गुड वाइब्स का रोज ग्लो टोनर आप इन दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हो बोथ आर बेस्ट बट अभी मैं जो यूज करी है, ये मामा अर्थ का ग्रीन टी टोनर है आपने इसको मुझे पहले भी यूज करते हुए देखा होगा ये मैं बटरफ्लाई स्टेप कर रही हूं ताकि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे से हो थोड़ा सा टाइम मैं दूंगी टोनर को एब्जॉर्व होने को एंड जब तक मैं गुड वाइब्स का ये कोकोनट लिप स्क्रब यूज करने वाली हूँ बॉटल देखो उल्टी पकड़िए मैंने एंड कुछ इस टाइप से आता है इवन आप ना इसको डी भी कर सकते हो शुगर जो है ना उसको ग्राइंड करके एंड उसमें थोड़ा सा कोकोनट ऑयल मिक्स कर एंड दैट से टैबलेक्ट भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको ये मार्केट वाला नहीं चाहिए तो क्योंकि बहुत ज्यादा तो कम क्वांटिटी आती है अराउंड हंड्रेड से ऊपर भी चला जाता है तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा डी आई कर लो अदरवाइज अगर आपको डी नहीं करना है तो आप ऐसे कर सकते हो मैं जब इसको यूज़ करी थी तो उससे कुछ जो शुगर ग्रेनुल्स थे ना वो मेरे मुँह में चले गए थे मीठा मीठा लग रहा था <laughs> लिप्स के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा जेंटल है काफ़ी अच्छे से एक्सफोलियेट कर देता है डर्ट वगैरह हटा देता है एंड जब मैं ये करी थी तो ऐसा लगा कि कोई दरवाजे पे खटखटा रहा है वैसे मैंने जाके चेक किया था कोई भी नहीं था एंड उसके बाद आके मैंने वापस एक्सपोलिएट किया एंड यहाँ पे मैं क्लीन कर करनी हूँ पूरा वॉश नहीं कर रही करी सो दैट so जो कोकोनट ऑयल वगैरह है थोड़ा बहुत मेरे लिप्स पे भी रहे एंड ये बात गलती से मैंने बाहर लिप्स निकाल के चाट लिया था उसको <laughs> तो आप ये गलती मत करना क्योंकि मीठा मीठा लग रहा था ऐसे पता नहीं लगा अब मैं साफ़ कर रही थी एंड मैंने उसको चाट लिया एंड आप मैं गुड वाइब्स का ये लिप बाम यूज़ कर रही हूँ एंड इससे भी ज़्यादा बेस्ट मुझे लगता है ये रहने का जो मेडनेस वाली ब्लैक मैजिक वाली लिपस्टिक है ना ये लिपस्टिक तो है बट एज अ लिप बाम हो oh, मैंने ऑलरेडी रिकमेंड किया है मेरे रिकमेंडेशन में कि आपको इसको ट्राई ज़रूर करना चाहिए अराउंड थ्री हंड्रेड के ऊपर आता है बट बहुत सही चीज़ है मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है मतलब अच्छा सा टेंट दे देता है लिबाम का एंड ऐसा नहीं कि जल्दी हटता है देर तक भी रहता है उसके बाद बारी आती है सीरम लगाने की तो यहाँ पे मैं एलिमेंटिस का विटामिन सी फेस सीरम यूज़ करने वाली हूँ टू हंड्रेड के आसपास आता है और बेस्ट है मतलब मैंने जितना यूज़ किया है ना उस हिसाब से मैं बात कर रहा ना तो काफ़ी अच्छा है हाइलोरोनिक एसिड है इसके अंदर एंड हाइलोरॉनिक एसिड वाले जो प्रोडक्ट होते हैं नियासिनमाइड वाले जो प्रोडक्ट होते हैं ना मेरे फेस को काफ़ी अच्छे से सूट भी करते हैं तो हल्का सा मैं ये ब्लैंड करती हूँ एंड उसके बाद मैं ये जेड रोलर यूज़ करने वाली हूँ जिससे मैं अपने फेस का मसाज करूँगी ये चीज़ मैं कभी कभी फॉलो कर लेती हूँ कि जेड रोलर को लेके मैं मसाज इवन आप रोज भी करोगे ना जेड रोलर को लेके मसाज तो वो अच्छा है बट यहाँ कि जेड रोलर ना फेक वाले भी मिलते हैं तो कोशिश करना रियल वाले पे जाओ मैं जो भी प्रोडक्ट यूज करी उनकी लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसमें ना एक तो ये जेड रोलर आता है और एक ग्वाशा भी आता है तो ग्वाशा मुझे बहुत ज्यादा पसंद है एंड ग्वाशा जो है वो मैं गाँव में छोड़ के आ गई इसलिए मैं अभी जेड रोलर यूज कर रूं एंड इसको यूज करने से पहले पंद्रह मिनट मैंने इसको फ्रिज में रखा था एंड देन मैंने इसको यूज किया था एंड यूज करने के बाद जब भी आप इसको यूज करो तो वॉश जरूर करके रखना ऐसा नहीं कि यूज कर लिया एंड देन उसके बाद आपने रख दिया तो ऐसे नहीं करना है इसको यूज़ करने के बेनिफिट ये होते हैं ना कि इसको यूज़ करने से जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा रहता है जहाँ भी पिगमेंटेशन है वो नहीं होती है एंड जो रिंकल्स वगैरह दिखाई देते हैं ना वो नहीं दिखते तो आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा यंग से दिखाई देती है अगर आप इसको रोज़ भी यूज़ करोगे तो भी बहुत ज़्यादा सही है यहाँ पर मैं अब यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का ओपटन वाला फेस क्रीम एंड ओपटन वाला पाउडर हो गया या ओपटन वाला ये जो क्रीम है ना मेरे हिसाब से आपको जरूर ट्राई करना चाहिए विंटर के हिसाब से बहुत ज़्यादा सही चीज़ है ये एंड इसको लगाने के बाद ना काफ़ी अच्छा ग्लो आ जाता है तो तो ये दो प्रोडक्ट तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि गुड वाइब्स का आपको मास्क ट्राई करना चाहिए उपटन वाला और ये वाली क्रीम काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेटिंग है और ग्लो भी देख रहे हो ना लाइट पड़ने पे काफ़ी अच्छा ग्लो देता है सनस्क्रीन में बात करूँ तो मेरे पास ये डर्मा टच का मैट टच एस पी एफ फिफ्टी पी ए ट्रिपल प्लस वाला सनस्क्रीन है ऑल्सो इनहैंड स्किन केयर का एस पी एफ फिफ्टी पी ए ट्रिपल प्लस वाला सनस्क्रीन है एंड uh, दोनों मुझे पसंद आए मैं समझ नहीं पाई थी कि मैं आपको कौन सा रिकमेंड करूं मुझे दोनों अच्छे लगते हैं एंड ऑयली नहीं बनाते हैं स्किन को चिपचिप चिप नहीं बनाते एंड काला काला सा नहीं नहीं फेस गर्म होता है मुझे वो चीज़ अच्छी लगी इन दोनों की मतलब सूट किया मुझे सिंपल सी बात है uh, ये मैट वाला मैं बात करूँ डर्मा टच का ना तो थोड़ा सा वाइट कास्ट देता है बट अच्छे से ब्लैंड करो बाद में ये जाके नॉर्मल हो जाता है सो so, आप इन दोनों में से कोई सा भी ट्राई कर सकते हो मैं दोनों आपको रिकमेंड करी हूँ एंड फाइनली मेरा जो पूरा स्किन केयर था वो कंप्लीट हो गया है फेस का एंड जो ग्लो दिखाई दे रहा है इसमें तीन चीज का रोल है सबसे पहले स्किन केयर का दूसरा कैमरा का तीसरा लाइट का ठीक है बस स्किन केयर से इतना ग्लो नहीं दिखाई देता है लाइट का भी असर है भाई तो मैं जा रही हूँ